बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है। दर्जे के लिए ही सीएम नीतीश कुमार समेत पार्टी के शीर्ष नेता लगातार पीएम मोदी को ही अपील कर रहे हैं और उन्होंने के देश के प्रधान बिहार पर ही ध्यान और अभियान की शुरुआत कर दी है। और इसी क्रम में ही सीतामढ़ी सांसद और जेडीयू नेता सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि पार्टी के सभी 16 सांसद प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि मार्च में ही लोकसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होगी और इस समय ही जेडीयू के सभी 16 लोकसभा सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में ही प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग करेंगे। बिहार को उसका हक मिले इसके लिए जेडीयू अपने अभियान को और तेज करेगा और विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद ही बिहार का तेजी से विकास होगा। बताते चले आपको कि बीते दिन हुई जेडीयू के राष्ट्रीय ललन सिंह ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी लोहिया जेपी और जॉर्ज फर्नांडिस कपूरी को ही आदर्श मानकर नीतीश कुमार ने ही बिहार वासियों को ही अपना परिवार माना और उनकी सेवा की और सामाजिक न्याय के साथ विकास का अभूतपूर्व मॉडल भी दिया। इंडियन प्रीमियर लीग के ही 15वें सीजन की नीलामी जारी है। मेगा ऑक्शन के ही पहले दिन कई खिलाड़ियों की किस्मत बदली। इस बीच ही विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने भी मुंबई इंडियंस के ही रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाई है। आपको बता दें कि मुंबई ने ही ईशान किशन को 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके साथ ही ईशान किशन आईपीएल के इतिहास में ही नीलामी में बिकने वाले दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बन गए और इस लिस्ट में ही पहले नंबर पर युवराज सिंह है। और वहीं मुंबई के पहली बार नीलामी में किसी खिलाड़ी के लिए 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली लगाई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले सीजन तक ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का हिस्सा रहे और वॉशिंगटन और सुंदर को ही सनराइजर्स हैदराबाद ने ही 8.75 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं लंबे अरसे से मुंबई इंडियंस के लिए ही खेलने वाले कृणाल पांडे को भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने ही 8.25 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के ही स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नबी को भी कई खरीदार नहीं मिला और उनका बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए था। और इसके अलावा मिस्टर आईपीएल के ही नाम से मशहूर सुरेश रैना, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ और बांग्लादेश के ही स्टार ऑलराउंडर शकीब अल हसन और दक्षिण अफ्रीका के ही हैविड मिलर को कोई खरीदार नहीं मिला। हालांकि अभी इनके पास एक मौका और है। कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद की चर्चा जोरों पर है और इस बीच ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू में हिजाब पर ही कहा कि देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा। और उत्तर प्रदेश के सीएम ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरियत से नहीं। हर संस्था को अपना ड्रेस कोड तैयार करने का अधिकार है, संविधान के अनुरूप ही व्यवस्था चलेगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले फेज के बाद विपक्ष का चेहरा मुरझा गया है। गर्मी शांत करने वाले अपने बयान पर सीएम योगी ने कहा, जो लोग केराना के पलायन के लिए ही दंगों के लिए जिम्मेदार थे और चुनाव की घोषणा के बाद बिलों से बाहर निकल गए थे, ये उनके लिए था और अपराध और अपराधियों के लिए ही सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ ही काम करेगी। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद को लेकर चुनावी राज्य में भी सियासत तेज हो गई है। इस बीच ही आपको बता दें, ओवैसी ने ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया है। ओवैसी ने सवाल उठाया है कि अखिलेश हिजाब के मुद्दे पर आखिर चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि आखिर अखिलेश यादव हिजाब के सवालों से दूर क्यों भाग रहे हैं। और इस बीच ही ओवैसी ने आजम खान को लेकर भी अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूं कि आजम खान जिस भी मुश्किल से में है और वो जल्दी बाहर आ जाएं। और बता दें आपको कि ओवैसी ने हिजाब को निजता का ही मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा ये महिलाओं का मौलिक अधिकार और उनके सशक्तिकरण का मुद्दा है। जानकारी के मुताबिक हिजाब विवाद में ही बीते दिनों जिस लड़की ने कर्नाटक के कॉलेज में ही अल्लाह हू अकबर का नारा लगाया था
और उससे और उसके पिता से ही ओवैसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही बातचीत भी की है। उन्होंने लोगों से बेटियों को खूब पढ़ाने का आह्वान भी किया है। बताते चले आपको कि कर्नाटक राज्य के ही उडुपी के ही एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की कक्षा में ही हिजाब पहनकर आई छात्राओं को कॉलेज परिसर से बाहर चले जाने को कहा गया और जिसके बाद ये मुद्दा राज्य के कई हिस्सों में भी फैल गया। बाद में हिजाब के बदले दूसरे समुदाय के छात्र भी भगवा गमछा डालकर आने लग गए और जिसके बाद बवाल शुरू हो गया और अब इस मामले में सियासत भी गरमाई हुई है।